सो वेलकम एवरीवन टू द फाइनल एपिसोड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आपने इससे पहले एपिसोड 1 और एपिसोड 2 आई होप देख लिया होगा। एपिसोड 1 में हमने बात करी थी सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। सेकंड एपिसोड में आपने सीखा सारे वो कैंडलस्टिक जो दो कैंडल से बनते हैं। आज आप सीखने वाले हैं उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो तीन या तीन से ज़्यादा कैंडल से फॉर्म होते हैं। तो आज का जो ये ट्रेनिंग है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने पहले दोनों एपिसोड नहीं देखे हैं तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि आपको समझ आएगा जो आपने इससे पहले भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स सीखे हैं समझे हैं वो आपको आज जो ट्रेनिंग है इसमें भी बनते हुए देखेंगे। बट आज ये पैटर्न्स आपको क्या बता रहे हैं, किस तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बहुत कुछ अभी जानना बाकी है। सो आज का वीडियो हाईली इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले फर्स्ट और सेकंड एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक दे देता हूं, आप जाकर दोनों एपिसोड देख सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं, दिस इज द फाइनल एपिसोड एज आई टोल्ड यू, जिसमें आप सीखने वाले हैं वो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो तीन या तीन से ज्यादा कैंडल से फॉर्म होते हैं। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। अब यहां पर मैंने बोला कि तीन कैंडल से फॉर्म हो रही है। पहले आपने सीखा था एक सिंगल कैंडल आपको क्या बोल रही है, जब हमने हैमर, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेवस्टोन डोजी हमने बात करी थी। यहां पे हम बात कर रहे हैं तीन कैंडल से बन के ये फॉर्मेशन हो रही है एक कैंडलस्टिक पैटर्न की। अब आपके जो लेफ्ट हैंड साइड पर और मेरे राइट हैंड साइड पर जो पैटर्न्स हैं यहां पे जो भी आएंगे ये बुलिश होंगे, और जो आपके राइट हैंड साइड पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे ये सारे आपके बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे। अब यहां पर हम ध्यान से देखते हैं कि ये पैटर्न क्या बोल रहा है, ये किन चीजों से मिलकर बन रहा है। अब मॉर्निंग स्टार में आपको क्या देखना होता है, यहां पर आप देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो कैंडल बनेगी वो एक बेरिश कैंडल होगी, रेड बेरिश कैंडल जो कि स्ट्रांग होगी, लॉन्ग बेरिश कैंडल होगी। उसके बाद ये जो नीचे आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड अ स्टार, ये हमारा स्टार है। अब ये स्टार क्यों है, आई जस्ट टेल यू। उसके बाद जो आपको कैंडल दिखेगी वो आपकी ग्रीन कैंडल होगी। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली क्या है कि स्टार के कलर से फर्क नहीं पड़ता, ये स्टार आपका रेड भी हो सकता है, ऑलराइट, ये रेड भी बन सकता है, तो इट डजंट मैटर। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं उसे समझते हैं। आप सबसे पहले जो देख रहे हैं कि एक रेड कैंडल बनी है, यहां पर प्राइस जो है यहां से ओपन हुआ था और यहां पे जाके क्लोज हुआ, मतलब सेलर्स जो थे वो हावी थे। इसके बाद दोबारा आप क्या देखते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग होती है, यहां से प्राइस ओपन हुआ दोबारा, मतलब सेलर्स अभी भी हावी थे, वहां पे एक गैप डाउन ओपनिंग उन्होंने करवाई, बट उसके बाद बायर्स कंट्रोल में आने शुरू हुए, प्राइस यहां पे जाके क्लोज हुआ। ओके, तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, डजंट मैटर। जो तीसरी कैंडल है उसे अब हम देखते हैं। तीसरी कैंडल में अब गैप अप ओपनिंग होती है, मार्केट का ट्रेंड चेंज होना शुरू, यहीं से हमें पता लग रहा है कि होना शुरू हो गया, यहां से हमारी ओपनिंग हुई है और यहां पे जाके ये कैंडल क्लोज होती है। अब जब ये यहां पे जाके क्लोज होती है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि पहले सेलर्स कंट्रोल में थे अब बायर्स कंट्रोल में आ गए, यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। सिमिलरली इवनिंग स्टार को देखिए कि प्राइस हमारा यहां से ओपन हुआ और यहां पे जाके क्लोज हुआ, उसके बाद भी बायर्स ही कंट्रोल में थे क्योंकि यहां पे गैप अप ओपनिंग हुई, बट उसके बाद बायर्स की जगह सेलर्स कंट्रोल में आ गए और उन्होंने प्राइस को नीचे धकेल दिया। उसके बाद दोबारा से हमें एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है एंड ऑल द वे हेयर प्राइस यहां पे जाके क्लोज होता है। अब आप यहां पर एक कंडीशन देखिए, ये हमारे लिए एक फेवरेबल कंडीशन है, ऐसा होना जरूरी है कि जो आपकी थर्ड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक ना करे। अगर वो नहीं करती तो हमारा मॉर्निंग स्टार एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार है। अगर वो यहीं पे ब्रेक कर देती है, आपको दिखता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलती है, स्टिल इसे मॉर्निंग स्टार कंसीडर कर सकते हैं। बट और ज़्यादा पावरफुल कब होगा, जब यही कैंडल अगले बार में बने, मतलब जो अगली कैंडल हो वो गैप के साथ ओपन हो और एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे लिए बुलिश कैंडल बने। ऑलराइट, अब यहां पे आपको इतनी बात समझ आ गई तो अब इसे चार्ट पर देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बनेगा। पर चार्ट पर जाने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। ये अब मैं आपको थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ना ये प्रैक्टिकल है, इसे आप खुद भी टेस्ट कर सकते हो। आपको जो मॉर्निंग स्टार बनता हुआ दिखता है, मैं एग्जांपल के लिए लेके चलता हूं कि अभी हम 5 मिनट की कैंडल देख रहे थे, मतलब ये जो भी कैंडल्स है 5-5 मिनट की है, हम जो चार्ट देख रहे थे वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे थे। अब ये 5 मिनट की कैंडल है, ये 5 मिनट की कैंडल है, तो ये 5 मिनट की कैंडल है। अगर मैं तीनों को मर्ज कर दूंगा तो एक 15 मिनट की कैंडल बन जाएगी, राइट। अब ये 15 मिनट की कैंडल बनती कैसे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैंडल्स बनती कैसे। एक एक मिनट की तीन कैंडल को जोड़ोगे
तो 3 मिनट की कैंडल बन जाएगी। ऑलराइट, सो इसे आप समझिए कि यहां पर आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको हाई क्या मिल रहा है, जस्ट टेल मी वेयर इज द हाई। इन तीनों कैंडल का हाई हमारा यहां पर है। ऑलराइट, सो ये हमारा यहां पे ये हाई हो गया, ठीक है। सो मैं यहां पे एक पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारा हाई है। ओके, अब इसके बाद हमारा लो क्या है, हमारे पास एक यहां पे ये हमारा लो आ गया। ओके, एक हमारे पास हाई है, एक हमारे पास लो है। ओके, हमारे पास ओपन प्राइस कौन सा है? आप कहोगे सर ये ओपन प्राइस है, राइट, वी हैव एन ओपन प्राइस, हमें एक ओपन प्राइस दिख रहा है, तो मैं यहां पे एक ओपन प्राइस की बिंदु लगा देता हूं, डॉट लगा दिया। उसके बाद हमारा जो क्लोज हुआ, जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, वो हमारा यहां पे क्लोज हुआ। ओके, ये हमारा क्लोज हुआ, सो मैं यहां पे एक और डॉट लगा देता हूं। नाउ मैं आपको कुछ बना के दिखाऊंगा, आपको याद आएगा कि हमने जो सबसे पहले एपिसोड में सीखा था वो अब आपको रिवाइज हो रहा होगा। सो यहाँ पे हमारी एक शेडो है, यहाँ पे हमारी एक शेडो है, एंड इसके बीच में हमारा क्या बन गया, इसे देखिए, ये क्या लग रहा है आपको? आपको यहाँ पे ओपन और क्लोज प्राइस दिख रहा है, ओपन और क्लोज प्राइस। जब ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है, तो कौन से कलर की कैंडल बनेगी? रेड कलर की कैंडल बनेगी। और ये कैंडल देख कौन सी शेप में रही है? एब्सोल्युटली करेक्ट, ये हमारा हैमर है। आप पता है ये जो समझ रहे हो, ये थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा डीप हो, बट कितनी कमाल की इन्फॉर्मेशन आप समझिए। हमें अगर हम एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को देख रहे थे, तो 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से तो हमें मॉर्निंग स्टार दिखा, बट अगर हमने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया होता तो उसी वक्त हमें हैमर दिख जाता। और हैमर आपको पता है एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो सिंगल कैंडल कैसे फॉर्म हो रही है? मल्टीपल कैंडल से हो रही है, ये भी मल्टीपल कैंडल से हो रही है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम बता रहा है आपको कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, ट्रेंड रिवर्स होगा, और आपको 5 मिनट का भी बता रहा है, बट 5 मिनट पे आप एक दूसरा पैटर्न देख रहे हो, 15 मिनट पे आप दूसरा पैटर्न देख रहे हो, है ना कमाल की चीज। अब आप यहां पर देखिए, जब इवनिंग स्टार की बात करें, सो आप इवनिंग स्टार को दोबारा से कंसीडर करते हैं, इसे देखिए। अब यहां पे जब इवनिंग स्टार है हमारा, अब यहां पे हमारे पास हाई क्या है? हमारे पास यहाँ पे हाई है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक डॉट बना देता हूँ। हमारे पास लो क्या है? हमारे पास यहाँ पे एक लो है, मैं एक डॉट बना देता हूँ। उसके बाद हमारा प्राइस ओपन कहाँ से हुआ था? हमारा प्राइस यहाँ से ओपन हुआ था, एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं यहाँ पे एक डॉट बना देता हूँ। और हमारा प्राइस क्लोज कहाँ पे हुआ था? हमारा प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ, तो मैं यहाँ पे एक डॉट बना देता हूँ। ओके, अब मैंने जो डॉट बनाया है इन्हें मैं कनेक्ट करता हूँ, ये हमारी शेडो थी, ये हमारी शेडो है, हमारा जो ओपन हुआ था वो यहाँ से हुआ था और हमारा क्लोज यहाँ पे हुआ। सो नाउ व्हाट इट इज, यू सी दिस इज अ शूटिंग स्टार, तो आपको एक शूटिंग स्टार दिख रहा है यहाँ पे। अब एक और चीज़ कमाल की, अगर ये कैंडल थोड़ी सी बड़ी होती, अगर ये बड़ी होती और ये यहाँ तक की होती, तो आपको क्या मिलता? आपको एक ग्रेवस्टोन डोजी मिलता, याद है ग्रेवस्टोन डोजी? और अगर यहाँ पे ओपन और क्लोज प्राइस सेम होता तो आपको क्या मिलता? अगर ओपन और क्लोज प्राइस सेम होता तो आपको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी मिलता। आप जो कैंडल स्टिक्स के टाइम फ्रेम है उन्हें जब कंबाइन कर देते हैं, तब जाके आपको वो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न मिलते हैं जो आपने एपिसोड 1 में सीखा था, बट वो फॉर्म हो रहे हैं मल्टीपल कैंडल स्टिक से। आर यू गेटिंग इट? आई होप यू आर लाइकिंग दिस, एंड अगर आपको मजा आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। सवाल हो सकता है आपके मन में हो, मैं ट्राई करूंगा आपके सारे सवालों का जवाब देने का इसी वीडियो के अंदर बिना आपके पूछे, बट फिर भी अगर कोई सवाल रह जाए तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार चार्ट पे कैसे दिखता है, इसे जल्दी से देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं, ऑलराइट, दिस इज अ मॉर्निंग स्टार। सो मॉर्निंग स्टार यहाँ पर देखिए, अभी मैं आपको मॉर्निंग स्टार दिखा रहा हूँ, जब हम नेक्स्ट कैंडल स्टिक पे आएंगे तो आपको दिखेगा तो मॉर्निंग स्टार जैसा ही है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि मॉर्निंग स्टार जैसा दिखेगा, बट वो मॉर्निंग स्टार से अलग होगा, तो देखने में सेम चीज़ें अलग भी हो सकती हैं। आई जस्ट टेल यू, तो यहाँ पे देखिए आपको डाउन ट्रेंड में नीचे दिख रहा है चार्ट के बॉटम पे, आपको जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं चार्ट के बॉटम पे दिखते हैं, तो आपको मॉर्निंग स्टार दिखा और उसके बाद यू सी जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ भागा हमारा, यू सी एक अपवर्ड मूवमेंट आई है यहाँ पे। ऑलराइट, सिमिलरली हम आ जाते हैं इवनिंग स्टार को भी देख लेते हैं, चार्ट के ही टॉप पे दिखेगा, तो जब चार्ट के टॉप पर आपने देखा तो आपको एक इवनिंग स्टार दिखा, यहाँ पे आपको इवनिंग स्टार दिखा और उसके बाद यू सी की प्राइस हमारा नीचे गया। ऑलराइट, तो ये आपने सीखा मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, क्या आपको ये मॉर्निंग स्टार जैसे ही लग रहा है? मैं आपको देखो एक बार दोबारा से मॉर्निंग स्टार दिखाता हूँ, यू जस्ट सी दिस मॉर्निंग स्टार। मैंने आपको बताया था ये कलर मैटर नहीं करता, ये जो स्टार का कलर है यहाँ पे, जो ये स्टार है इसका कलर इतना मैटर नहीं करता, ये ग्रीन भी हो सकता है, बट ये
आपका जो शेप है, जो आपका पैटर्न है, वो इस तरीके से बनना चाहिए। ऑलराइट, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बुलिश एबंडेंट बेबी की और बेरिश एबंडेंट बेबी। एबंडेंट बेबी ये क्या नाम रखे हैं जापानीज लोगों ने, आप भी सोच रहे होंगे। सो एबंडेंट का मतलब होता है जिसे ठुकरा दिया हो, मतलब जिसे छोड़ दिया, त्याग दिया, मतलब एक ऐसा बच्चा जिसे त्याग दिया गया हो। तो ये क्यों बोला गया है, आई जस्ट शो यू ये क्यों बोला गया है। अगर आप इसे देखें, अच्छा आप कहेंगे तो स्टार है, अब मैं आपको फर्क बताता हूँ। जो आपने स्टार देखा था और इसमें एक छोटा सा फर्क है, वो फर्क क्या है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे आपको ये छोटा सा डोजी जैसा पैटर्न दिख रहा है, ये मॉर्निंग स्टार में भी हो सकता है। दूसरी चीज, आपका जो यहाँ पे लो था, ये जो आपका लो था वो टच ही नहीं हुआ है इसके। अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे जो ओपन प्राइस था वो गैप के साथ ओपन था, वो भी काफ़ी ज़्यादा। क्लोजिंग जो आपकी हुई है, यहाँ से आपका प्राइस ओपन हुआ था, यहाँ पे जाके क्लोज हुआ, ऑल राइट। उसके बाद जो नीचे दोबारा से ओपन हुआ, काफ़ी ज़्यादा गैप के साथ हुआ, क्योंकि वो गैप बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसे एबेंडेंट बोलते हैं। और ये छोटा सा है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन बहुत छोटी सी होती है, इसलिए इसे एबेंडेंट बेबी बोलते हैं। Are you getting it? तो यहाँ पे ये डोजी जैसे ही बनता है, कलर डजंट मैटर, ज्यादातर केसेस के अंदर एबेंडेंट बेबी के अंदर ये ब्लैक कलर ही होता है यहाँ पे। तो आपको डोजी दिखेगा ब्लैक कलर का, ना वो रेड होगा ना वो ग्रीन होगा, बट वो आपको कलर दिख भी सकता है, तो डजंट मैटर। अगर गैप ज्यादा है तो वो एबेंडेंट बेबी कहलाएगा, अगर गैप कम है, अगर वो आपको यहीं पे फॉर्मेशन दिख जाती है, तो वो आपका एक तरीके से मॉर्निंग स्टार कहलाएगा। दैट्स अ बेसिक डिफरेंस, दोनों काम सेम करते हैं। ये भी हमारा एक बुलिश इंडिकेटर है, वहाँ पे हमारा ये बेरिश इंडिकेटर है। अगेन मैं आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे वही चीज़ कंबाइन करूँगा जो मैंने अभी आपको दिखाया था, आई विल जस्ट शो यू। अगर मैं सेम चीज़ आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे हाई ले लूँ तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे हाई मिल जाता है, अगर मैं लो ले लूँ मुझे इस पॉइंट पे यहाँ पे लो मिल जाता है। उसके बाद प्राइस ओपन कहाँ से हुआ था, प्राइस यहाँ से ओपन हुआ था, तो मुझे एक ओपन प्राइस मिल जाता है, और प्राइस कहाँ पे क्लोज हुआ, मुझे यहाँ पे क्लोज मिल जाता है। तो अगेन इट विल बिकम अ हैमर, एंड सेम वहाँ पे हमें शूटिंग स्टार मिलेगा। अगर यहाँ पे जो क्लोजिंग है अगर यहाँ पे हो जाती है, तो सेम मुझे ड्रैगन फ्लाई डोजी मिलेगा, वहाँ पे मुझे ग्रेवस्टोन डोजी मिलेगा। सो इट इज़ मोर और लेस सेम। अब स्ट्रक्चर जो यहाँ पे पैटर्न हैं, इनके नाम अलग हैं, तो आपको पता होने ज़रूरी है। जब गैप डाउन आपको यहाँ पे ज़्यादा ओपनिंग मिलती है तो दूर है तो ये एबेंडेंट हो गया, अगर वो पास होता तो मॉर्निंग स्टार, अगेन वो दूर है इसलिए वो एबेंडेंट बेबी है, अगर वो पास होता तो वो इवनिंग स्टार। ऑलराइट, चार्ट पे किस तरीके से दिखते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं कि यू सी अ रेड कैंडल, अ बिग कैंडल, उसके बाद आपको एबेंडेंट बेबी दिखा नीचे, एंड देन यू सी अ ग्रीन कैंडल जो आपकी बुलिश कैंडल है, एंड देन यू सी अ ट्रेंड रिवर्सल, प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिख गया। सिमिलरली अगर आप एबेंडेंट बेबी को देखेंगे चार्ट के टॉप पे, तो आपको टॉप पे कुछ इस तरीके से दिखता है, एंड उसके बाद व्हाट यू सी, देखो यहाँ पे गैप कितना ज़्यादा है और ये डोजी बना है। मैंने आपको बताया यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में डोजी बनेगा, और जब डोजी बनेगा एंड देन जो आपका ट्रेंड है वो नीचे की तरफ जाता है। नाउ एंट्री कब लेनी है आपको, बड़ा ईजी है, आपको एंट्री कब लेनी है, आपका जब ये बेरिश एबेंडेंट बेबी बन जाता है उसके बाद आप कन्फर्मेशन के लिए नेक्स्ट कैंडल का वेट करें। जो इसका आपका यहाँ पे लो था या क्लोज था, उसके बाद जो दूसरी कैंडल का क्लोज जब तक वहां तक नहीं आता, अब यहां से ओपन हुआ था गैप अप बट क्लोज फिर भी नीचे था, तो आप यहां पे जाके एंट्री ले सकते हैं, दिस कुड बी अ एंट्री पोजीशन फॉर यू। एंड आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो आपका एबेंडेंट बेबी का टॉप था ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके, सो आपको स्टॉप लॉस और एंट्री समझ आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट थ्री वाइट सोल्जर्स। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, मैंने आपको बताया था कि पहले के टाइम में जब जापान के अंदर ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर डिस्कवरी हुई थी, तो ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो और रेड कैंडल देख रहे हो, पहले ग्रीन और रेड नहीं होते थे। जो यहाँ पे रेड कैंडल है पहले ब्लैक होती थी, और जो आपकी ग्रीन कैंडल है पहले वो वाइट होती थी। इसीलिए क्योंकि ये वाइट होती थी, जब तीन लगातार ग्रीन कैंडल बन जाती हैं, इन्हें वाइट सोल्जर्स बोलते हैं। तो सोल्जर्स जंग पर जा रहे हैं जीतने के लिए, ऑल राइट। सो ये मान लो किसी पहाड़ पे चढ़ाई शुरू कर रहे हैं और उसके बाद आपको देखेगा एक बूम, तो ये एक तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बता रहा है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है अगर आपको थ्री वाइट सोल्जर्स मिलेंगे। ऑलराइट, अभी इसके बाद जो कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा ना, आपको लगेगा वो तो थ्री वाइट सोल्जर से मिलता जुलता ही है। तो ये बड़े मिलते जुलते कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, आपको देखने में एक जैसे लगते हैं बट कन्फ्यूजिंग भी होते हैं। अभी मैं बताऊंगा क्यों कन्फ्यूजिंग होते हैं, आपको धीरे धीरे सबको समझ आएगा। सो ये थ्री वाइट सोल्जर्स आपको समझ आया,
अब यहां पर क्या है, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। कंसेप्ट ये, कंसेप्ट को समझो कि यहां से प्राइस ओपन हुआ, यहां पे क्लोज हुआ, बट उसके बाद दोबारा से सेलर्स हावी हो गए, प्राइस को नीचे ले आए, प्राइस यहां पे क्लोज हुआ था बट उसके बाद फिर नीचे आ गया, फिर ओपन हुआ, फिर क्लोज हुआ, उसके बाद जब क्लोज हुआ दोबारा से प्राइस नीचे आ गया, फिर ओपन हुआ, फिर क्लोज हुआ। अब ये जब लगातार तीन बार हो जाता है और तीन अलग अलग कैंडल्स में हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं थ्री वाइट सोल्जर्स। और सेम ऐसी चीज अगर हो जाती है तीन बार बेरिश कैंडल्स के अंदर, आपको यहां पे ये पैटर्न कब बनेगा, चार्ट के बॉटम पे, उसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। एंड यहां पे ये जो पैटर्न बनेगा ये कहां पे बनेगा, चार्ट के टॉप पे, और यहां से ट्रेंड रिवर्सल की तरफ इंडिकेट करेगा। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस ओपन कहां से हुआ था, प्राइस ओपन हुआ था यहां से, फिर क्लोज हो गया, बट उसके बाद दोबारा से नीचे लेकर आए सेलर्स, बट दोबारा से प्राइस ऊपर ओपन हुआ, फिर नीचे जाके क्लोज हुआ, फिर दोबारा से प्राइस ऊपर गया, ओपन हुआ, फिर नीचे क्लोज हुआ। तो ये जब लगातार होता है, देखो ये देखने में लगता है कि चलो कैंडल्स बन चुकी हैं, बट जब आंखों के सामने बन रही होती है ना तब लोगों की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। अच्छा प्राइस नीचे गया, ओ दोबारा ऊपर चला गया, तो लोग इतना पेशेंस नहीं रखते। वो पेशेंस रखना जरूरी है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ट्रेनिंग में और ट्रेडिंग में फर्क होता है। तो ट्रेडिंग आपको तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, ये सिर्फ वीडियोस देख के आप पैसे नहीं कमाने वाले, सो प्रैक्टिस जरूर करनी है। उसके लिए आपके पास डीमेट अकाउंट जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है लीडिंग ब्रोकर्स के, जिस मर्जी के साथ जाके आप अपना डीमेट अकाउंट आज ही खुलवा लीजिए। आपका डीमेट अकाउंट होगा उसमें टाइम लगाइए, 9:15 से 3:30 तक मार्केट खुल रही है वर्किंग डेज के अंदर, तो आपको वहाँ पे टाइम और अटेंशन देना है अपना। आप पेपर ट्रेड से शुरुआत करो, स्मॉल कैपिटल से शुरुआत करो, बट आप जब तक सीखना नहीं शुरू करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग। ये सारी ट्रेनिंग्स वेस्ट हैं आपके लिए। आप यहाँ तक अगर हो तो आई नो यू आर सीरियस। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ गई, इसे देखते हैं कि ये किस तरीके से आपको चार्ट पर दिखता है। अब यहाँ पे आप चार्ट देखते हैं। ऑलराइट, आपको चार्ट में क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि तीन वाइट सोल्जर्स आपके बन गए हैं। ये जो तीन वाइट सोल्जर्स हैं, इसमें मैटर नहीं करता कि वो सेम आपकी जो कैंडल्स हैं वो सेम साइज की होंगी, वो छोटी बड़ी हो सकती हैं, इट डजेंट मैटर, बट वो तीनों यहाँ पे ग्रीन कलर की ही बननी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि एक बीच वाली रेड बन गई, वी वॉन्ट ऑल द थ्री ग्रीन कैंडल्स। ऑल राइट, उसके बाद हम कन्फर्मेशन का भी वेट करेंगे। कन्फर्मेशन का क्या वेट करेंगे, जो लास्ट कैंडल का हाई है, जब तक नेक्स्ट कैंडल में उससे ऊपर जाके क्लोजिंग ना आ जाए, जो कि नेक्स्ट कैंडल डोजी बनी है उसके बाद जाकर आ रहा है, तो हम वेट करेंगे, हम एंट्री यहां पे लेंगे, ठीक है। और हम जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो हम फर्स्ट कैंडल का लो था यहां पे, जो ये लो है ये आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, ओके। एंड आपका जो एंट्री है, यू ऑलरेडी नो इट नाउ कि जब आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, जो लास्ट कैंडल का हाई था उसके बाद जिस कैंडल पे जाके वो हाई क्लोज होगा, तो इस क्लोज के बाद आप एंट्री ले सकते हैं। सो यू नो द एंट्री एंड स्टॉप लॉस नाउ। इसी तरीके से हम देख लेते हैं कि हमारे तीन काले कौवे, थ्री ब्लैक क्रोस, किस तरीके से हमें हेल्प करेंगे। सो इंडिया में नहीं, जापान में भी शायद क्रोस को अच्छा नहीं समझा जाता कि भाई तीन काले कौवे बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि कुछ अच्छा नहीं होगा, सो प्राइस नीचे जाएगा। सो यहाँ पर आप देखिए कि आपको तीन ब्लैक क्रोस दिख रहे हैं, एंड देन व्हाट हैपन कि आप वेट करते हो कन्फर्मेशन का। आप कन्फर्मेशन का क्या वेट करते हो कि भाई इस जो हमारी लास्ट कैंडल थी जहाँ पे वो क्लोज हुई है, कम से कम नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे जाए। तो ये वाली कैंडल तो उसके नीचे नहीं गई जो ग्रीन बनी है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है आप देखते हो कि वहाँ पे प्राइस नीचे जा रहा है, इस कैंडल से आप एंट्री ले सकते हो। और स्टॉप लॉस आप कहाँ का लगाओगे, जो फर्स्ट कैंडल का टॉप था यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। ग्रेट, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपके लिए बोरिंग नहीं हो रहा होगा, यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक क्या होता है, बेरिश थ्री लाइन स्ट्राइक क्या होता है। उससे पहले मैंने आपको बोला था आपको चीजें एक जैसी लगेंगी। क्या आपको ये थ्री वाइट सोल्जर्स दिख रहे हैं? आप कहोगे सर यस, ये तो थ्री वाइट सोल्जर्स हैं, अभी तो आपने बताया। अच्छा आपको ये क्या ये थ्री ब्लैक क्रोस दिख रहे हैं? आप कहोगे बिल्कुल दिख रहे हैं। अब लोग यहां पर क्या करते हैं, आप इंटरनेट पे ना जब कैंडलस्टिक्स के बारे में सर्च करोगे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें एक दो तीन अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात होगी, बट यू नीड टू गिव टाइम टू इट, ठीक है। आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी जो ये बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक है, ये बुलिश ही पैटर्न है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। बट कभी कभी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो अब यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पे थ्री वाइट सोल्जर्स दिख रहे हैं, उसके बाद आपको एक बहुत बड़ी कैंडल दिखती है
जो एक तरीके से क्या काम कर रही है, आपने अगर आपने एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में समझाओ, अगर मैं इन्हें पहले ना देखूं तो ये मुझे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न लग रहा है, बट ये आपके लिए एक जाल है, ये आपके लिए जाल है। अगर आपको इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ दिखता है और आपको लगता है तो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, आपने इससे पहले ध्यान ही नहीं दिया, तो ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न की वजह से आप अपना लॉस कर लेंगे। आप क्या लॉस कर लेंगे, आप इसके बाद ये समझेंगे कि भैया यहां से तो प्राइस टूटेगा, यहां से ट्रेंड तो नीचे जाएगा, एंड देन आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये एक जाल था, ये एक्चुअल में बुलिश पैटर्न है। ये बुलिश पैटर्न कैसे है, अब मैं आपको ये बताता हूं और ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। यहां पे आपको 3 व्हाइट सोल्जर्स दिख रहे हैं और आपको ये क्या दिख रहा है, यहां पे आपको एक बहुत बड़ी सी आपको बेरिश कैंडल दिख रही है। अगर ये पैटर्न आपको चार्ट के बॉटम पे बनता हुआ दिख रहा है, अगर ये बॉटम पे बनता हुआ दिख रहा है तो ये बुलिश है। अब एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, यही पैटर्न अगर चार्ट के टॉप पे बन जाएगा तो ये बुलिश नहीं रहेगा, फिर ये बेरिश हो जाएगा। अब देखो चीजें कितनी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं अगर आपको इनके बारे में नहीं पता। ये बेसिक फंडामेंटल अगर आप छोड़ देंगे, मैंने आपको बोला था सारे बुलिश इंडिकेटर चार्ट के बॉटम पे बनेंगे, यही बुलिश इंडिकेटर अगर चार्ट के टॉप पे बन गया तो ये उल्टा काम करेगा, ये फिर बेरिश हो जाएगा, फिर वहां पे इंगल्फिंग वाली बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और यहां पे इस पैटर्न को देखिए, यहां पे आपको 3 ब्लैक क्रोस दिख रहे हैं, बट ये जो आपको 3 ब्लैक क्रोस दिख रहे हैं उसके बाद एक बहुत बड़ी सी पैटर्न आपको दिखता है जो कि है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अगर हम सिर्फ इन 2 कैंडलस्टिक्स को देखें, अब देखो हम 4 को देख रहे हैं, मैंने बोला था 3 और 3 से ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आपको बताऊंगा, तो यहां पे ये बुलिश है बट ये बेरिश भी है। अब ये बेरिश कब होगा, अगर ये चार्ट के टॉप पे बन गया तो ये बेरिश है, अगर यही पैटर्न चार्ट के बॉटम पे बन गया तो ये बुलिश काम करेगा। अब आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो रही हो, अब मैं आपको दिखाता हूं, ये पैटर्न तो आपको समझ आ गया बुलिश है, वो पैटर्न आपको समझ आ गया बेरिश है, बट अगर ये चार्ट के बॉटम पे बना, लेट मी शो यू, तो मैं आपको दिखाता हूं। मैंने इसके लिए आपके लिए एग्जांपल्स लिए हुए हैं, यहां पर देखिए ये चार्ट के बॉटम पे बन रहा है, ये कौन सा है, देखो 3 आपको ब्लैक क्रोस दिखे, फिर एक आपको यहां पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जैसा कुछ दिखा, जस्ट सी दिस, हैव यू सीन कि आपको 3 ब्लैक क्रोस दिखे, ये बेरिश था बट उसके बावजूद प्राइस ऊपर गया, क्यों गया, क्योंकि अगर ये बॉटम पे बनेगा उल्टा काम करेगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यहां पे आपको 3 व्हाइट सोल्जर्स दिखे बट चार्ट के टॉप पे बन रहे हैं, उसके बाद आपको एक एंगल्फिंग पैटर्न दिखता है, आपको बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखता है जो कि बिल्कुल ठीक है, ये आपका बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है ही नहीं, ये आपका 3 लाइन स्ट्राइक है, ये 3 लाइन स्ट्राइक बेरिश स्ट्राइक है। स्ट्राइक क्यों बोलते हैं, कि पहले की तीनों को इसने क्रॉस कर दिया, हम काटते हैं ना, तो ये स्ट्राइक करना बोलते हैं कि पहले के जो 3 व्हाइट सोल्जर्स थे वो मारे गए भाई, उन्हें स्ट्राइक कर दिया गया, किसने, एक बेरिश कैंडल ने, सेलर्स ने, और इसके बाद से यू सी कि प्राइस नीचे गया। मजा आ रहा है आप लोगों को, अब मजा आ रहा है तो भाई इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आपको जो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए टाइम लगाया जा रहा है, इसलिए लगाया जा रहा है कि राइट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ऑल राइट, लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट एंड द सेकेंड लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न ऑफ द डे। अब यहाँ पर आप देखिए, ये है 3 आउटसाइड अप, अब ये 3 आउटसाइड अप, 3 आउटसाइड डाउन, हो सकता है आपको नाम कंफ्यूजिंग लग रहे हो। एक तो है क्या चीज़ कि अगर आप सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एक बार में सीखोगे ना तो आप पक्का कंफ्यूज होने वाले हो, इसीलिए मैंने 3 एपिसोड्स बनाए हैं। पहले में मैंने सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताए कि आपको याद हो जाए, आप उनकी प्रैक्टिस करो याद हो जाएंगे, उसके बाद 2 कैंडल से जो पैटर्न्स बनते हैं, और आज इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो 3 और 3 से ज़्यादा कैंडल से बनते हैं। मैंने बोला ये सेकेंड लास्ट है, बट आप अभी एक मिनट रुक जाइए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और भी हैं, हमने वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स कवर करें जो सिग्निफिकेंट हैं, जो आपको अक्सर बनते हुए देखेंगे आपके चार्ट पे, बट आपको और भी सीखने। अब देखो है क्या चीज़ कि 3 एपिसोड्स को बनाने में एक तो टाइम लगा और आपने भी अच्छा खासा टाइम दिया सीखने के लिए और आप काफ़ी अच्छा सीख भी रहे हो, बट इसके अलावा भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, अगर आप चाहते हैं वो भी कवर करें तो आपको अब एक काम नहीं करना, आपको 2 काम करने हैं। पहले तो आपको नेट पर अपनी सेल्फ रिसर्च करनी है, आपको भी सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे, आप सीखना चाहते हो, थोड़ी सेल्फ स्टडी करो। आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट में कि अभी मैंने कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स कवर नहीं किए हैं,
और जब आपके नाम मुझे कमेंट्स में दिखेंगे जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स अभी मैंने कवर नहीं किए हैं और उनकी डिमांड दिखेगी, तभी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। सो अगेन, हम जो वीडियोस बना रहे हैं ना ऑन डिमांड बना रहे हैं, भाई पब्लिक की डिमांड आ रही है तो हम वीडियोस बना रहे हैं। सो आपकी डिमांड आएगी तो हम वीडियोस बनाएंगे। अब यहां पर आप देखिए 3 आउटसाइड अप, ये क्या चीज है? अब आप पहले तो ना यहां पर आप बायर्स और सेलर्स की मूवमेंट को समझिए, यहां पर क्या दिखा रहे हैं ये आपको कैंडलस्टिक पैटर्न से समझिए कि सबसे पहले अगर आप तीनों को नहीं देखते, तीनों कैंडल्स को नहीं देखते, सिर्फ दो कैंडल्स को देख रहे हैं, तो आपको यहां पे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है। आपको यही याद रखना है, अगले में देखो ये 3 आउटसाइड अप है, हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं 3 इनसाइड अप की। फर्क क्या है, मैं आपको फर्क बता रहा हूं, ये आपका है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न अगर आप दो कैंडल्स को देख रहे हैं, ठीक है। इसकी कंफर्मेशन आपको तीसरी कैंडल से हो रही है। यहां पे जो प्राइस है यहां से ओपन हुआ, सेलर्स नीचे लेके गए तो यहां पे जाके ये क्लोज हो गया। उसके बाद क्या होता है कि दोबारा से प्राइस नीचे जाता है, यहां पे आपकी जो ओपनिंग है वो थोड़ी सी और नीचे होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, बट उसके बाद पूरी तरीके से जो बायर्स है वो हैवी हो गए और प्राइस यहां पे जाके क्लोज हुआ। बट देन व्हाट डू यू सी, उसके बाद दोबारा से प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है, ये ओपन यहां पर होता है बट क्लोज यहां पे हो जाता है, और ये ट्रेंड रिवर्सल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अब यहां पे देखने वाली बात क्या है कि यहां पे आपकी जो पहली कैंडल है ये रेड बनेगी, दूसरी ग्रीन बनेगी और तीसरी भी ग्रीन बनेगी, और इसके साथ साथ वॉल्यूम भी देखना है। वॉल्यूम सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स में काम करता है और आपको देखना भी जरूरी है कि पहली कैंडल के हिसाब से दूसरी कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा आया हो और तीसरे में तो 100% और ज्यादा आया हो। बीच वाले कैंडल का इतना ज्यादा मैटर नहीं करता जितना थर्ड कैंडल का करता है कि फर्स्ट से थर्ड के कंपैरिजन में थर्ड का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पे बुलिश एंगल्फिंग देखा और तीसरी कैंडल ने आपको कंफर्मेशन दे दी, आप चाहें तो इसके ऊपर से भी एंट्री ले सकते हैं, और यहां पे आप जो ये बीच वाली कैंडल थी इसके नीचे का लो का स्टॉप लॉस लगा के भी आप अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, और अगर इसके बावजूद भी कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट कैंडल का वेट कर सकते हैं। इसका जो हाई था, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है जब इसके हाई को ब्रेक करके क्लोज हो जाए ऊपर, तो इसके बाद भी आप एंट्री ले सकते हैं। सो यू कैन वेट फॉर ड्यूअल कंफर्मेशन, और ये जो पैटर्न है ये अपने आप में एक कंफर्मेशन आपको दे रहा है कि इसके हाई के बाद यू कैन टेक द एंट्री एंड इसके लो का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ग्रेट। सिमिलरली यहां पर देखिए, यहां पर आपको ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखता है, ओके, बट उसके बाद हो क्या रहा है समझिए, ओपन यहां पर क्लोज यहां पर, उसके बाद जब ओपन हुआ तो वो ऊपर ही हुआ विच वॉज पॉजिटिव, अगर वो एक ट्रेंड चल रहा था वो ठीक था, बट सेलर्स इतने हावी हो गए कि प्राइस को ऑल द वे डाउन नीचे ले आए एंड क्लोजिंग हमारी नीचे हुई। अब ये क्या हुआ, ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न हुआ। अब उसके बाद क्या होता है कि दोबारा से प्राइस ऊपर चला जाता है, बायर्स काम करते हैं बट सेलर्स फिर से हावी हो जाते हैं और प्राइस नीचे आ जाता है। अब ये पैटर्न जो है ये 3 आउटसाइड डाउन कहलाता है, वो 3 आउटसाइड अप है, ये 3 आउटसाइड डाउन है। अब ये चार्ट पे कैसे दिखता है जल्दी से देख लेते हैं। सो हम यहां पर देखते हैं, आपको यहां पर दिख रहा है कि ये आपके लिए एक तरीके से जो काम कर रहा है ये बुलिश एंगल्फिंग का काम कर रहा है। आपको 2-3 चीजें जो चेक करनी है, क्या करनी है, जितने भी बुलिश पैटर्न्स होंगे वो चार्ट के बॉटम पे बनेंगे, भैया चार्ट के बॉटम पे बने हुए हैं, एंड उसके बाद आप जो तीसरी कैंडल है इसके बाद भी चाहे तो एंट्री ले सकते हैं, और यू कैन वेट इसके हाई के बाद जब ऊपर क्लोज हो जाएगा आप यहां से भी एंट्री ले सकते हैं एंड यहां पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार हमारा 3 आउटसाइड डाउन किस तरीके से काम करता है। सो 3 आउटसाइड डाउन आपको चार्ट के टॉप पर दिखेगा, आपको दिख रहा है कि ये जो काम कर रहा है ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल का काम कर रहा है। उसके बाद आपको एक और कैंडल दिखती है जो नीचे की तरफ आपको दिखती है, एंड आप चाहें तो यहां से भी अपनी एंट्री ले सकते हैं। सो और आप चाहें तो कन्फर्मेशन का वेट कर सकते हैं कि इसके लो के बाद जब आपको यहां पर दिखा कि क्लोज आ गया, सो यू कैन टेक द एंट्री फ्रॉम हेयर ऑल्सो, उसके बाद भी आपको प्राइस नीचे जाता हुआ दिखेगा। सो आई होप आपको मजा आया होगा, एंड इसके बाद जो हमारा फाइनल यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न रह गया उसे भी हम कवर कर देते हैं, एंड दैट इज 3 इनसाइड अप। अब 3 इनसाइड अप में क्या ध्यान रखना है, वहां पे आपको दिखा बुलिश एंगल्फिंग, यहां पे आपको याद है हमने बात करी थी बुलिश हरामी की, जो बुलिश हरामी पैटर्न था उसमें इट वॉज लाइक अ प्रेग्नेंट मदर, तो ये मदर थी, ये चाइल्ड था, इफ यू रिमेंबर बेबी है, ये मदर है। अब ये हमारे लिए अगेन एक बुलिश पैटर्न है, यहां पे क्या हुआ, प्राइस यहां से ओपन हुआ, यहां पे जाके क्लोज हुआ, बट देन व्हाट हैपेंड कि प्राइस दोबारा से ओपन यहां पे हुआ, क्लोज यहां पे हुआ, यहां पे ऊपर की तरफ बायर्स लेके गए एक मूवमेंट को, बट फिर प्राइस दोबारा से थोड़ा सा नीचे आ गया, ओपन यहां पे हुआ, बट फिर बायर्स ने पूरी ताकत दिखाई, क्लोज यहां पे किया। ये पैटर्न को हम बोलते हैं 3 इनसाइड अप।
ऑल राइट, एंट्री आप यहीं से ले सकते हैं चाहे तो इस थर्ड कैंडल के टॉप से, क्योंकि ये अपने आप में कंफर्मेशन दे रहा है। बुलिश हरामी के बाद आपको कंफर्मेशन इससे भी मिल रही है और अब ये पैटर्न कहलाएगा थ्री इनसाइड अप। थ्री इनसाइड अप कहला रहा है, तीन कैंडल्स आपको कंफर्मेशन दे रही है यू कैन ट्रेड। एंड सिमिलरली यहां पर आप देखते हैं कि आप एक देख रहे थे अप ट्रेंड में एक ग्रीन बिग कैंडल बनी, बट उसके बाद एक बेबी कैंडल बनी। जो बेबी कैंडल बनी है वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर आ रही है, तो ये हमारी बेरिश हरामिक पैटर्न है। बट उसके बाद व्हाट यू सी कि यहाँ पे जो प्राइस है ओपन यहाँ पे हुआ था, ऑल्दो यहाँ पे ओपन होने के बाद सेलर्स नीचे लेकर आए थे प्राइस को, बट उसके बाद प्राइस थोड़ा सा दोबारा से शूट अप हुआ, बट सेलर्स प्राइस को नीचे लेके आए, क्लोज यहाँ पे हुआ। सो आप लो से एंट्री ले सकते हो और फर्स्ट कैंडल के हाई से यू कैन यहाँ पे पुट द स्टॉप लॉस। एंड हियर इफ यू वांट टू सी, मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखता है। सो आपको जो बुलिश पैटर्न्स हैं वो हमेशा नीचे दिखते हैं, चार्ट के बॉटम पे दिखते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये बड़ी कैंडल है, ये छोटी कैंडल है, मदर कैंडल है, बेबी कैंडल है, एंड उसके बाद आपको कंफर्मेशन के लिए कैंडल ऊपर ग्रीन कलर की दिख रही है। सो दिस इज थ्री इनसाइड अप। इस तरीके का पैटर्न बनने के बाद प्राइस गोज अप एंड फाइनली हम थ्री इनसाइड डाउन भी आपको दिखा देते हैं। जो आपका थ्री इनसाइड डाउन है ये आपको दिखेगा अप ट्रेंड के बाद, अप ट्रेंड पे आपको दिखता है, चार्ट के टॉप पे दिखता है, एंड देन व्हाट यू सी कि ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद एक बेबी कैंडल बनी थी, एंड लास्ट कैंडल जो आपकी रेड कलर की बनी थी वो प्राइस के लिए कंफर्मेशन दे रही है कि नीचे की तरफ जा रहा है, ट्रेंड की तरफ इंडिकेट कर रही है, एंड प्राइस गोज डाउन। सो आई होप आपको आज काफ़ी कुछ समझ आया होगा। एंड अब फाइनली कुछ बात आपसे करनी है वो हम कर लेते हैं। देखिए आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो तीन एपिसोड्स हैं यहाँ पे जाके कंप्लीट हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे। हो क्यों रहे हैं? क्योंकि जो मुझे आपको सिखाना था वो मैंने आपको सिखाया, जितने भी सिग्निफिकेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे वो हमने कवर करने की पूरी पूरी प्रयास करा है। बट जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स अभी हमने कवर नहीं करे हैं, वेल ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, उसके बावजूद जो रह गए हैं मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करो। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, अगर आप चाहते हैं फिर भी हम उन्हें कवर करें आप कमेंट कीजिएगा, विल डेफिनेटली मेक द वीडियोस। बट इंटेंशनली मैंने छोड़े बिकॉज इतना टाइम लग रहा है, और अगर आपने यहां तक टाइम दिया है इसका मतलब है यू आर डैम सीरियस। अगर किसी ने यहां तक भी नहीं सीखा इसका मतलब है कि वो इतना सीरियस नहीं है पर्सन। अगर आप यहां तक बने हुए हैं यू आर सीरियस। सो इफ यू आर सीरियस जस्ट डू प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, सी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैं कहता हूं एवरीवन परफेक्ट, मैन और वुमेन की बात नहीं, हर किसी को परफेक्ट कर देती है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। सो आप पेपर ट्रेड करो, प्रैक्टिस करो। सी आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, कमोडिटी में ट्रेड करते हो, आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, मैं चाहता हूं आपके मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो और मिनिमम लॉस हो। सो आप अपनी ट्रेडिंग को जो भी आप इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं आप करिए, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। फाइनली आने वाली जो वीडियोस आने वाली हैं वो और भी ज़्यादा पावरफुल वीडियोस होंगी, दिस इज़ व्हाट आई प्रॉमिस। सो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा लीडिंग ब्रोकर्स का, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर अभी भी कुछ सवाल है आप नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन शेयर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू आर सेल्फ मेड।